एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अनाज उगाता था। रामू की पत्नी सीता और उनका एक बेटा मोहन भी था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सारे किसान परेशान थे क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो गई थीं। रामू के पास भी कोई उम्मीद नहीं बची थी, पर रामू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर मेहनत से काम किया जाए तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। रामू ने अपने खेत में दिन रात मेहनत करना शुरू किया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी खेत में लगा दी। सीता और मोहन को भी समझाया कि इस मुश्किल घड़ी में हमें धैर्य रखना होगा और मिलकर काम करना होगा। रामू की मेहनत और धैर्य रंग लाया। अगले साल बारिश हुई और रामू के खेत में भरपूर फसल हुई। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से वह गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। अब गांव के सारे लोग रामू की मिसाल देते थे और उससे प्रेरणा लेते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों में धैर्य और मेहनत से काम लेने पर सफलता अवश्य मिलती है।